गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नवीन जगवाल। टुडे चैप्टर है सेकंड, चैप्टर नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्टिंग पार्टनर्स। बेटा इसके बारे में वैल्यूएशन गुडविल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एवरेज प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? जो फर्म का एक्सेस प्रॉफिट होता है अदर जो फर्म है उसके कंपेरिजन जो एक्सेस प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब एक्स्ट्रा, वो होता है गुडविल के कारण। किसके कारण अन होता है? गुडविल की, जिस भी फर्म की रेपुटेशन गुड नेम होगा उसके कस्टमर मैक्सिमम होंगे, ठीक है, जिससे उसकी सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी तो कंपनी की गुडविल क्या होगी? हाई होगी। गुडविल हाई होगी तो कंपनी को सुपर प्रॉफिट होगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, और वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बेटा उन्हीं से सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, 10 हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, इट इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट गुडविल एट 4 times द सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है। एक फर्म है उसका एवरेज प्रॉफिट है 70,000, एबनॉर्मल प्रॉफिट बताया था बेटा, जब एवरेज प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस होता है, क्योंकि ये हमारे अंडर में नहीं होते, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो देखो बेटा सुपर प्रॉफिट को ऐसे गुडविल कैलकुलेट करनी है। सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 70,000 का। एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है? वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो क्या करेंगे हम? लेस 5,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का हो गया? 65,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 65,000 का। अब बताया था कि सुपर का क्या फॉर्मूला? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज हमारा 65 हो गया, अब क्या कैलकुलेट करना? नॉर्मल। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी? 5,50,000 इनटू 10/100, 20 से 20 कैंसिल, 55,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने का आ गया? 55,000 का। अब सुपर एवरेज माइनस एपी मतलब होता है यहाँ एवरेज, और एनपी मतलब होता है नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट 65,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है, तो सुपर प्रॉफिट कितने हो गया? 10,000 का। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट कितने का है? 10,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4, तो कितना हो गए? 40,000। तो गुडविल कितने की आएगी हमारी? 40,000 मतलब 40,000 की। क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, 12 और 13 क्वेश्चन सेम है, 11 की तरह ही है जो 12 और 13 क्वेश्चन नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ये डिफरेंट है। ऑन April 1, 2018 एन एक्सटिंग फर्म हैड असेस्ट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 60,000 एंड रिजर्व कंजेस्टेड द रेस्ट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो एक फर्म के पास असेस्ट है 75,000, इंक्लूडिंग कैश है 5,000, कि कैश उसमें इंक्लूड है तो यहाँ कैश का कोई रोल नहीं है, ठीक है। द पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है 60,000 और रिजर्व कंजेस्टेड द रेस्ट ऑफ द एंड रिजर्व कंजेस्टेड इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी गिवन है 24,000। किसके वजह से? सुपर प्रॉफिट के, फॉर एस परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, किसके वजह से गिवन है? फॉर एस परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैलकुलेट क्या करना हमें? एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी गुडविल गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 years परचेज है, तो गुडविल ऑलरेडी कितनी गिवन है? 24,000।
सो प्रॉफिट गिवन नहीं है, फोर ईयर्स परचेज है, फोर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर किसके में हो जाएगा डिवाइड है, सो प्रॉफिट इक्वल में 24,000 अपॉन में 4, 6,000। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 75,000 का इनटू 10/100 7,500। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, हमें कैलकुलेट क्या करना है एवरेज, सुपर गिवन है 6 का, एवरेज गिवन नहीं है, नॉर्मल गिवन है 7,500 के माइनस के द्वारा किसको हो जाएगा प्लस का, एवरेज प्रॉफिट इक्वल है 6,000 प्लस में 7,500 13,500। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 24,000 की और फोर ईयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट, जो गुडविल है सुपर प्रॉफिट के बेस पे गिवन है, ठीक है भाई। और कैलकुलेट क्या करना हमें एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल कितनी है 24,000 की, सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 4, या 4 सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 अपॉन 4, 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल बेटा जो पार्टनर कैपिटल उसको यूज़ नहीं करेंगे, जो फर्म की असेस्ट है उसको यूज़ करेंगे, वो कम कंपनी की कैपिटल है, वो 75,000 × 10/100 7,500 सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, और हमें कैलकुलेट क्या करना है एवरेज, सुपर गिवन है तो सुपर की जगह हम 6,000 रखेंगे, एवरेज गिवन नहीं है एवरेज आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन 7,500, ये माइनस के द्वारा किसको हो जाएगा प्लस का, 6,000 प्लस में 7,500 टोटल 13,500। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या है कि गुडविल ऑलरेडी गिवन है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, तो पहले हम गुडविल के बेस पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ही बना सकते हैं, और में करके एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट प्लस में उसमें नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमने नया फॉर्मूला बना दिया बेटा इसका एवरेज प्रॉफिट का। अगर ये आपको अलग लगता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए, क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल, एवरेज को हम एफ पी लिख देते हैं यहाँ शॉर्ट में, तो सुपर हमारा कितना कैलकुलेट होता है 6,000, नॉर्मल कितना गिवन है 7,500 टोटल 13,500। बेटा ये इस फॉर्मूला के द्वारा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करके भी, और अगर डायरेक्ट आपने करना है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर सकते हो सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैलकुलेट ही करना है सुपर 6,000 नॉर्मल 7,500 टोटल 13,500 के लिए। बेटा थैंक्स, ओके।